नमस्कार दोस्तों, उदयपुरी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम उदयपुरी रसोई में आपके लिए कोई रेसिपी लेकर हाजिर नहीं हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में 21 दिन का लॉकडाउन हो चुका है, तो उसको देखते हुए हम आज घर में प्राकृतिक सैनिटाइजर बनाएंगे, जो हमारे घर को साफ करने के लिए उपयोगी है। इसके लिए हमें जिन सामग्री की आवश्यकता होगी वह है नीम की पत्तियां, गिलोय, और खुशबू के लिए हमने पुदीना, लेमन ग्रास भी है, और हमारे पास कुछ गुलाब की पत्तियां भी उपलब्ध थी, वह हमने ली हैं। तो हम बनाना शुरू करेंगे। नीम की पत्तियों को हम दो तीन बार अच्छी तरह से धो देंगे, क्योंकि इसके ऊपर डस्ट जमी होती है, इसलिए हम इसे बढ़िया से अच्छा सा धो देंगे। सारी सामग्री को हम बढ़िया से, पुदीना है, गिलो है, उसको हम सबसे बढ़िया दो तीन बार अच्छी तरह से धो देंगे। हमने इसमें 750 ml पानी काम में यूज में लेंगे। पानी को बॉयल रखेंगे कि पत्तियां गिलोय पुदीने से इसकी खुशबू से छोटे मोटे जो कीटाणु होते हैं घर में, छोटे मोटे कीड़े होते हैं, भाग जाएंगे। लेमन ग्रास खुशबू के लिए हमने गुलाब की पत्तियां काम में ली हैं। आपके पास लेमन ग्रास नहीं है तो आप नींबू यूज में ले सकते हैं। दोस्तों, हम हाथ को तो सैनिटाइज कर ही देते हैं, हमें अपने घर को भी सैनिटाइज करना है। बाथरूम है, डोरबेल है, डाइनिंग टेबल है, जिसे हम बार बार टच करते हैं, किचन प्लेटफॉर्म है, बिजली के बटन है, सभी को हमें सैनिटाइज करना है। प्रत्येक सैनिटाइजर स्प्रे को हमें 10-15 मिनट अच्छी तरह उबालना है। यह हमारा प्राकृतिक सैनिटाइजर स्प्रे तैयार हो चुका है, अब इसे हम छान लेंगे। ठंडा होने पर हम इसे स्प्रे बॉटल में भर देंगे। इस तरह से घर के किचन स्टैंड को, हैंडल को, की को, ऐसे हम घर के हर कोनों को साफ करेंगे और अपने घर को सैनिटाइज करेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को व देश को कोरोना से बचाएं। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।